हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं द बेबी इन येलो नाइट 3। और हमने नाइट 1 और नाइट 2 पहले खेल कर ही अपलोड कर दिया है। तो गाइस, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो भाई यार जाकर देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बताना चाहूंगा। भाई यार, इसमें एक भूतिया बच्चा होता है जो कि भाई यार बहुत ही ज्यादा डरावना है। और गाइस, हमें उसका देखभाल करना है, ठीक ना। अगर हम उसका देखभाल नहीं करेंगे तो भाई यार वो मेरा सर फोड़ देगा भाई। और यार भाई यार काम भी बहुत ज्यादा कराएगा। तो भाई यार अभी ना वो रो रहा है, ठीक ना। अरे क्या हो गया भैया, ऐसे मत रोया कर यार। जब तू रोता है तो भाई यार मेरे को डर लगता है भाई। हाँ हाँ दादा, हल्ला मत करो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अरे नहीं भैया, सर मत फोड़ना यार। भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये लो भाई, गेट बंद कर देता हूँ। भाई यार बहुत ही अजीब बच्चा है भाई। एक तो देखभाल करो, ऊपर से बोलता है यार तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कोई बात नहीं गाइस, मेरे को अभी बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। तो भाई यार सबसे पहले मैं जाकर आराम से कुछ खाऊंगा। तो गाइस, ये है सामने हमारा फ्रिज। तो भाई यार देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। ओ भाई, बहुत कुछ रखा है भाई यार। तो यार बताओ आप लोग क्या खाओगे। गाइस आज हम खाएंगे चीज, टोस्टी चीज। तो भाई यार चलो यार बनाते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम एक टोस्ट, उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम इसको। ओ नहीं भाई, प्लेट को नहीं रखना है भाई, हमें रखना है इसको। तो गाइस हमने रख दिया ये लो। और भाई यार वापस एक टोस्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद गाइस हम इसको बंद कर देते हैं। तो भाई यार ये बनकर रेडी हो जाएगा। भाई ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा है, क्या ब्लास्ट हो गया। ओ भाई यार ये तो गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है भाई यार, भूत आ चुके हैं। गाइस हमारे रूम में भूतों का कब्जा हो चुका है भाई यार, भागना पड़ेगा, हमारा सर फोड़ देगा रे बाबा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे मत खाना प्लीज, मैं अभी फ्रिज से। ओ भाई यार ये फ्रिज इतना बड़ा कैसे हो गया यार, अभी तो छोटा सा था। भाई यार ये घर में क्या क्या हो रहा है भाई यार, सामने रखा है गाइस यार दूध का बोतल, जल्दी से उसको पिला देते हैं, नहीं तो भाई यार वो मेरे को खा जाएगा भाई। गाइस जल्दी जाना पड़ेगा भाई यार, अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है भाई, जल्दी उसको दूध पिलाना पड़ेगा। ओ भाई यार दरवाजा बंद किसने कर दिया भाई, अब क्या होगा भाई यार, मैं कहाँ से जाऊँ। इतना अंधेरा क्यों है भाई, लगता है गाइस अब हमें पीछे से जाना पड़ेगा। चलो यार चलते हैं जल्दी से। ओ भाई यार, भाई ये फ्रिज तो भाई यार एकदम घर बन गया है गाइस। भाई यार कैसे निकलें भाई यहाँ से बाहर, अब ये सोचना पड़ेगा। वो भाई यार हमें मिल गया है दरवाजा, तो हम लोग आराम। वो भाई यार गाइस सामने बैठा है भूतिया बच्चा। भाई ऐसे मत देख यार भाई, डर लगता है। दूध लाया हूँ भाई तेरे लिए, ले पी ले, पी ले भाई यार, पी ले दूध, पी ले भैया, डराना मत भाई। गाइस इसके अंदर भूत घुस गया है भाई यार, इसको दूध पिला देते हैं। ओ भाई यार ये एकदम नॉर्मल हो गया है, लेकिन भाई यार अपने नैपी को भाई गंदा कर दिया है, तो इसके नैपी को चेंज करना पड़ेगा। गाइस यार चलो यार चलते हैं नैपी चेंज करने। और यार मेरे को लगता है भूत अभी हमारे घर से भाग गया है भाई यार। यहाँ पर बैठो मुन्ना, अभी मैं तुम्हारा नैपी लेकर आता हूँ। भाई यार सामने है नैपी। तो गाइस नैपी जल्दी से पहना देते हैं भाई यार, नहीं तो फिर से भूत आ जाएगा। जल्दी चलो गाइस नैपी पहना देते हैं भाई को। ओ भाई भाई ये क्या था भाई यार, खोपड़ी था भाई यार भूत का। भाई यार डर लग रहा भाई, ऐसे मर रहा है यार, मेरे को डर लग रहा है भाई यार। ये भाई ये क्या उड़ रहा है भाई, भाई यार ये फिर से भूत बन गया है गाइस यार। अब यार बहुत डर लग रहा है भाई यार, पूरे घर पे भाई ये क्या झाड़ उग रहा है भाई, पेड़ पौधा पूरा घर में उजारा है भाई यार। गाइस हमें जल्दी से इमरजेंसी ग्लास को तोड़ना पड़ेगा भाई यार, यही एक चारा है भाई यार भूत से बचने के लिए। भाई यार जल्दी चलो यार, इमरजेंसी ग्लास को तोड़ना पड़ेगा गाइस। भाई यार कहाँ से जाएं भाई यार, पूरा रास्ता भाई यार बंद हो गया है भाई यार, कैसे जाएं गाइस। हम लोग निकल चुके हैं भाई यार, जल्दी चलो भाई यार, ऊपर है इमरजेंसी ग्लास भाई, जल्दी तोड़ देंगे भाई। जल्दी से गेट खोलते हैं भाई यार, अंदर चलो। भाई भाई ये कहाँ कहाँ आ जाता है भाई यार, ये रहा इमरजेंसी ग्लास भाई यार, इसको तोड़ते हैं भाई, कैसे तोड़े भाई यार नहीं पता। भाई यार टूट जा भैया जल। ओ भाई यार चलो यार, अपने को कुछ मिला है भाई यार। हाँ भाई इसको लगाना पड़ेगा उस भूतिया बच्चे के ऊपर भाई, तभी यार हमें भूत से छुटकारा मिलेगा भाई यार। कुछ ताबीज जैसा लग रहा है भाई, तांत्रिक बाबा वाला भाई। चलो यार गाइस जल्दी चलते हैं भाई, ये रहा भूतिया बच्चा, इसको पहनाते ही इसके अंदर से भूत निकल जाएगा। और ये लोग गाइस हमने कर दिखाया साथ में मिलकर भाई, हमने भूत को घर से बाहर निकाल दिया। और यार भाई मेरे को लगता, ओ भाई भाई इधर अभी भी भूत है गाइस, ठीक ना। और यार ये टकला क्या हो गया भाई, ये मर गया क्या भाई। हेलो
भाई क्या हो गया तेरे को, मर गया क्या भाई? अरे टकले। तो गाइस हमने इसके मुंह को बंद कर दिया है भाई यार, बहुत ज़्यादा डरा रहा था भाई यार, अब डरा ना, अले अब डरा, क्या हो गया मुंह बंद हो गया क्या? देखा गाइस, ओ भाई मैं मजाक कर रहा था भाई, ये सच में डराएगा क्या भाई? मैं मजाक कर रहा था यार, हेलो ऐसे मत देख भाई। मेरे पास आओ, जल्दी आओ नहीं तो खून पी जाऊंगा। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस यार तू मेरे को डराना मत भाई, बहुत डर लगता है भाई। ओ भाई ये क्या बन गया है तू, ऐसे भूत बनकर मेरे को मत डराना भाई, बहुत डर लगता है। ओ सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अरे सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेड पर सुला देता हूँ भैया। ठीक है माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरा खिलौना दो। ओ अच्छा तुम्हें खिलौना चाहिए, रुको मैं अभी ला कर देता हूँ, आज मैं तुम्हें दूंगा सीप। तो भैया ये है हमारा सीप, तो ये लो सीप के साथ तुम आराम से खेलो और मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, मुझे पहले स्टोरी सुनाओ। अरे यार क्या मुसीबत है भाई, अब मेरे को स्टोरी सुनाना पड़ेगा गाइस इस बच्चे को। तो मुन्ना आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ द प्रिंस एंड द सीप की स्टोरी। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रिंस होता है जो कि अपने बेड में सोते रहता है, उसके बाद उसके पास एक सीप आता है। तो प्रिंस सीप से बोलता है कि भाई यार मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, तो सीप उसको पानी पिलाता है। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हूँ, तो सीप उसका कपड़ा चेंज कर देता है। उसके बाद यार प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और फिर वो सोने के लिए जाता है, लेकिन उसके पहले उसने अपना बड़ा बड़ा आँख खोल कर दिखाया और एकदम बड़ा बन गया, एकदम शैतान जैसा दिखने लगा, और सीप से बोला कि तुम मेरे सपने में आ जाओ, तुम मेरे अंदर घुस जाओ। उसके बाद सीप डरते डरते उसके अंदर घुस जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे जाने दो प्लीज़ गाइस, ये फिर से भूत बन गया है, अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, अरे तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो, नहीं नहीं मुझे जाने दो जाने दो। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और यार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक रैबिट को फॉलो करेंगे और भाई यार भूतिया बच्चे से छुटकारा पाएंगे।